अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दौर चौधरी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घर में खुश रखे। तो ये मास्क मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा, तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत बहुत कमाल के डिज़ाइन हैं जो आज मैं ड्रेस शेयर करूँगी ना, ये सारे डिज़ाइन मैंने खुद, मतलब कि इन सब के ना मैंने खुद स्टिचिंग की है। तो वैसे ये मेरी ईद के ड्रेस नहीं है, ईद के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो होंगे। ये वैसे मैंने ना मतलब घर में पहनने के लिए स्टिच किए हैं। अच्छा, तो और क्या कहना था? हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें मेरे हौसला अफजाई के लिए। बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और जब आप लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत सुकून होता है। ठीक है, तो ये मास्क मैंने ना आज स्टिच किया है। जो पहले वाले मास्क होते हैं ना, वो मतलब इतने हाफ होते थे, मेरी नेक नज़र आ रही होती थी और चिन भी बहुत मसला होता था। तो फिर इसलिए ना मैंने बड़ा रख के सिलाई की है। मैंने कहा ये इस तरह से मतलब फेस अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लें जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया। अब बातें तो मेरी खैर होती रहेंगी। एनीवेज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म करके वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें जी, चलें जी। अब हम सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। इसकी नेक कुछ इस तरह से है, जिस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी थी ना, उसके साथ साथ इसी तरह से कपड़ा लगा के ये देखें नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, फिर उसके ऊपर तरपाई लगा दी थी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार पर लगा दिए मेहरून कलर के, इसके साथ मैच करके। ठीक है जी, और ये इसका प्रिंट है, और ये मैंने एलन फ्रॉक बनाई है, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था तो इसलिए मैंने एलन फ्रॉक बना दी इसकी। और अच्छा, तो अब इसकी स्लीव्स देख लेते हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं, ठीक है, इस तरह से लूप्स बना के लगाए हैं। फिर उसके बाद ये वाली पट्टी, इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं। एक मिनट, चलें अब देख लें। ठीक है, और इसका जो दामन है, तो ये इसका दामन है। दामन की डिजाइनिंग देख रहे हैं, तो हवा बहुत ज्यादा चल रही है तो यहाँ पे अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक एक पर लगा दिया है। ठीक है, आप लोग चाहे यहाँ पे टसल्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने एक अभी छोड़ा हुआ है, मैं पहले ही ऐसे लगाने लगी थी थोड़े से शॉर्ट रख के, लेकिन फिर मैंने कहा हमने तोड़ देने खींच के, तो इस फिर मैंने ये वाले ना पर लगा दिए इस तरह एक एक ऐसे। ठीक है, उसके बाद जी, तो उसके बाद ये वाली डिजाइन की गई है इसके सेंटर में। ठीक है, इस तरह से ये समोसे दो लगा के फिर इसको आपस में पर के साथ ज्वाइंट किया है, और फिर ये इस तरह से नोट बनाई गई है। इसके अंदर चेपी नहीं दी, विदाउट चेपी की है ये। ठीक है, चले एक मिनट, पंखा मैं बंद करके आती हूँ। अच्छा जी, तो अब जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो इस तरह से अब ले सकते हैं। हवा बहुत ज्यादा थी तो इसलिए फिर मैंने पंखा बंद कर दिया। इसका बैक का प्रिंट दिखा देती हूँ, ये इसका बैक का प्रिंट है, बहुत मजे का है। ठीक है, और ये इसका ट्राउजर है। ठीक, ये वाला इसका ट्राउजर, इसकी ना स्टिचिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपने चैनल पे। तो यहाँ पे सारे समोसे हैं और गंजा के लगाए गए हैं, और सेंटर में ये पिंटिक्स डाले गए हैं, और इधर भी सारे ये समोसे हैं, ये सारे छोटे छोटे से इस तरह से ये डिजाइनिंग है। तो ये वाला इसके साथ दुपट्टा है जिसपे मैंने सिर्फ पीको करवाई है, अभी कोई डिजाइनिंग नहीं की क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ईद बहुत करीब है, तो ईद के बाद सोचूंगी इस पे कोई डिजाइनिंग का। ठीक है, इस तरह से, और प्रेस भी करने वाला है, थोड़ा सा मैंने कहा दिखा दूं। अच्छा, तो अब ये वाला पिंक कलर का है, और इसके नेक पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, और ठीक है, बाकी इसका जो दामन है वो इस तरह से है, कुछ काफी लॉन्ग था ये, तो इतना ज़्यादा मैंने लॉन्ग नहीं पहनती, तो फिर मैंने कट करके ना इसके सेंटर में इस तरह से लेस के साथ ये बॉर्डर जो था उसको अटैच कर दिया, ये लेस। ठीक है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। और इसकी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से,
फ्रंट से बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ से मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। चलिए जी, आप देखें इस तरह से ये स्लीव है इसकी, स्लीव्स पे ये लेस है, ये अभी ठीक से प्रेस नहीं हुई, प्रेस करके नहीं अच्छे से ये बल निकल जाते हैं, और इस तरह से है ये इसके स्लीव्स है। बाकी ये बिल्कुल सिंपल है ड्रेस, बैक साइड भी इस तरह से बिल्कुल सिंपल है ये, और बैक पे मैंने जो बॉर्डर था ना उसका वैसे ही अटैच कर दिया, लेस नहीं दी। और इसके साथ का जो ट्राउज़र है वो कुछ इस तरह से है, नीचे इसके समोसे और फिर लूप्स लगाए गए हैं, दो लूप्स और एक समोसा, और यहाँ पे चार पिंटिक्स है। वैसे ये मैं एक दफ़ा एक दो दफ़ा पहन चुकी हूँ सूट, और ये फिर लेस लगाई गई है जो हमने दामन पे लगाई ना, सेम वही लेस यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट ये वाला है, इसके जो डिज़ाइनिंग है ना स्लीव्स की वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो अच्छा, तो इसकी नेक कुछ इस तरह से है, ये बे शेप में गला था, ठीक है, उसके बाद इस पे इस तरह से ऑर्गेन्जा लगाया गया है, और यहाँ पे एक नॉट बांधी गई है। अगर हम इसको नॉट बांधना चाहें, अदरवाइज इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी अच्छा लग रहा है, तो नॉट भी हम बांध सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइडों पे पैनल हैं दोनों तरफ, और इधर ऑर्गेन्जा के ही हमने पट्टियां बना के इधर मतलब फुल लंबाई में लगाई गई है, ठीक है। एक मिनट, ये देखें इस तरह से दोनों साइडों पे हमने बना के ऐसे ही लगाई गई है सेम, और इसके स्लीव्स कुछ इस तरह से है। इसकी सारी डिटेल्स से स्टिचिंग में शेयर कर चुकी हूँ, इस तरह से इसके स्लीव्स हैं, और ये इसका दामन है। जस्ट फ्रंट पे हमने डिजाइनिंग की है, और बैक बिल्कुल सिंपल रखा है, ठीक है। और इसको पलटे के साथ लगाया गया है, वाइट कलर का पलटा लगाया है मैंने, और ये ओवरऑल लुक है शर्ट की, बहुत प्यारी शर्ट लग रही है ये। ये मैंने सिमसिम से ली थी, सेल में ली थी, आई थिंक 350 की थी, या यहाँ तक थी 350 तक थी। उस टाइप बहुत सॉफ्ट है इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लास्ट ड्रेस देख लेते हैं, ये अनरखा स्टाइल में है, इस तरह से यहाँ पे लेस लगा के और वी शेप में इसका गला है, ठीक है। और ये कपड़ा है, इसके साथ थोड़ा सा मैश किया था मैंने। अच्छा, जो इसकी स्लीव्स थी ना वो मैंने बिल्कुल सिंपल प्लेन रखी थी, प्लेन रख के ये वाला जो फैब्रिक था इसके ऊपर डिजाइनिंग की है, इस तरह से आड़ी करके ना, मतलब ये पट्टियां लगाई गई हैं, और फ्रंट पे ये लेस लगा दी गई है, ठीक है। और जी, और इसके डिजाइनिंग यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे मतलब कमर पे ना इतना छोड़ के यहाँ पे इलास्टिक डाली गई है इतनी इतनी, बैक पे भी यहाँ तक और फ्रंट पे भी, ठीक है, दोनों साइडों पे, इधर भी वो है क्या कहते हैं इलास्टिक है, और उधर भी थोड़ी सी फिटिंग के लिए ना इलास्टिक डाली गई है, ठीक है। और ये इस तरह से है कुछ, और इसका दामन बिल्कुल सिंपल है, चुनरी डिजाइन में है ये शर्ट, ठीक है जी। ये इस तरह से है कुछ, और बैक साइड भी मैं इसकी दिखा देती हूँ, बैक साइड पे भी इस तरह से इलास्टिक जा रही है। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये अब चुनट जा रहे हैं ना नीचे फ्रंट पे, ठीक से मुझे प्रेस नहीं हुआ है मुझसे, तो इसलिए आप लोगों को शायद ना समझ में आए, और बैक से आप देख सकते हैं इस तरह से है कुछ। ये जस्ट शर्ट है और बस खत्म हो गई डिजाइनिंग। अच्छा जी, तो ड्रेसेस आपने सारे देख लिए हैं, डिजाइन आपको कैसे लगे आप अपना फीडबैक लाजमी मुझे दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।